सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज सर्वाइकल के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, कौन कौन से योगा के एक्सरसाइज उसमें करनी है, पवन जी आपको नानवल से आए हैं, ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अब पवन जी, सर्वाइकल में एक्यूप्रेशर के साथ साथ अगर योगा का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक होती है। आज हम इस पर योग और एक्यूप्रेशर के साथ साथ योग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ताकि एक्यूप्रेशर थेरेपी देने के बाद में अगर योग भी करवाया जाए तो बहुत ही जल्दी तेजी से परिणाम आते हैं। सर्वाइकल में हमने देखा है, पूरे सर्वाइकल एरिया में सातों वर्टिब्रा में, यानी कि लगभग C5, 6 और 7, इनमें जकड़न होती है और दोनों हाथों में नमनस आ जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले बाएं और दाएं तरफ गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। बीच में रिलैक्स बैठेंगे आराम से। अब बाएं तरफ धीरे 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 कंधे को टच कराने की कोशिश करेंगे। अगर टच ना हो तो ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना मोड़ सकते हो मोड़ना है। फिर बीच में आराम से रुक जाना है। फिर दाएं तरफ कंधे को टच करने का प्रयास करेंगे, फिर रुक जाएंगे बीच में रिलैक्स होके। फिर आराम आराम से लेके जाना है गर्दन को, बीच में रुक जाना है। ये प्रक्रिया दोनों साइड 5-5 बार दोहरानी है। उसके बाद में हम गर्दन को गोल चक्र में घुमाएंगे, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। आराम से धीरे धीरे रिलैक्स होके सांस लेते रहेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं रखना है, रिलैक्स मुद्रा में योगा करना है। ऐसे 5 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। उसके बाद में ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर जाएंगे, सांस लेते जाएंगे, फिर सांस धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे आराम से। ये प्रक्रिया भी 5 बार दोहरानी है। हमने देखा है कि कई बार थोरेसिक वर्टिब्रा तक प्रॉब्लम बढ़ जाती है सर्वाइकल वाले पेशेंट को, और हाथों में ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, नमनेस आता है। इसलिए हम दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे, दोनों कंधों पर रख लेंगे आराम से। फिर गोल गोल घुमाना है। जितनी बार क्लॉकवाइज उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 5-5 बार काफी है शुरुआत में, फिर एक एक करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा तक हम रिलैक्स करने के लिए कोशिश करेंगे कि दोनों हाथ पीछे की तरफ जोड़ने, हाथ जोड़ने की मुद्रा में। अगर ये ना हो, हाथ यहां तक भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आराम से कर सकते हो कर लो, उसके बाद में ये धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। फिर दोनों पंजे लड़ाने हैं, गहरा सांस लेना है, सांस छोड़ देना है, फिर इस हाथ से करना है। ये प्रक्रिया 3 बार दोहरानी है दोनों हाथों से। उसके बाद में कंधे ऊपर और नीचे लेके जाना है। ये एक्यूप्रेशर के साथ साथ आप करवाएंगे तो पेशेंट को देखेंगे 5 से 7 दिन में सर्वाइकल का पेन लगभग गायब हो जाता है, जो कि मेडिसिन से वर्षों तक भी ठीक नहीं होता है। ये एक्सरसाइज हमें जरूर करनी है। फिर हम देखेंगे कि एक और आसान सा तरीका है, हम दीवार के साथ में खड़े हो जाएंगे। साथ में खड़े होकर दोनों हाथ हमने रिलैक्स मुद्रा में रखने हैं, जितनी देर आराम से रुक सकेंगे, फिर रिलैक्स में बैठ जाएंगे। फिर एक बार दोहराएंगे इस प्रक्रिया को। इससे यहाँ जो सर्वाइकल C7 पर जो प्रेशर है, ये दबाव है, ये हट जाएगा। ये इसको आप पेशेंट को जरूर करवाना है। धन्यवाद।